जी, हमने बहुत कम समय के अंदर 300 बेड का मेंस हॉस्टल, यूथ हॉस्टल बनाकर दिया है, जो लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत उसके ऊपर आई है। दो ऐसी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स को हमने और रेनोवेट करके नई सुविधाओं से लैस किया है, जिनके ऊपर 1.80 करोड़ और दूसरे पर भी लगभग 1.80 करोड़। कुल मिलाकर 2829 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा इन सुविधाओं पर NIS पटियाला में आया है, जिससे खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मिलेगी रहने की, खेलने की और ट्रेनिंग। जैसा आपने देखा, मीराबाई शानू से लेकर बाकी प्रमुख खिलाड़ी हमारे यहाँ पर कोविड के समय भी ट्रेनिंग लेते रहे और अब भी बड़े मेडल, ओलंपिक मेडल जीतने के बाद भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। देश के खिलाड़ियों के लिए, कोचिज के लिए एक हब बना है NIS पटियाला, और हमारा प्रयास है कि NIS पटियाला की सुविधाएं और बढ़ती जाएं, कोर्सेज और बढ़ते जाएं और रिफ्रेशर कोर्स भी देश भर के कोचेज के हों, ताकि कई वर्ष पहले जिन्होंने कोचिंग सीखी उनको और वापस अपग्रेड, अपस्किल दोनों किया जाए, रीस्किल किया जाए। उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज चले हैं। सर, कोचिंग कैडर को रिस्ट्रक्चर किया, 12 कोचेस को हाई परफॉर्मेंस कोच बनाया, उनकी क्या वर्किंग होगी, कहाँ तैनात होंगे सर? देखिए, देश भर में जो हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उनकी मैं बात करूं या जहां हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारे कैंप्स NCOE सोनीपत में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, यहां पर और कई और अन्य स्थानों पर लगते हैं। आज खेल में स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत बड़ा महत्व है। हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स इसलिए भी चाहिए कि आज हर एथलीट को अपनी विशेष सुविधाएँ भी चाहिए, अलग से ट्रेनिंग भी चाहिए। हर खेल के लिए साइंस भी अलग है, अगर उस तरह से देखें ट्रेनिंग भी अलग है। तो ये प्रयास रहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट हमारे कोचेस से लेकर ट्रेनर से लेकर हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स तक की है, वो सारी उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सबको पूरा किया जाए। सर, NIS पटियाला में रेसलिंग हॉल नहीं है, बच्चे सोनीपत जाना पड़ता है प्लेयरों को, तो सर रेसलिंग हॉल नहीं है आप? सर, रेसलिंग हॉल सर अभी बन रहा है और वेस्टिंग हॉल की जगह हमने वेट लिफ्टिंग को एक्सटेंड कर दिया है, तो वेट लिफ्टिंग को इंटरनेशनल। और लेकिन बच्चों को सोनीपत जाना पड़ता है सर यहाँ से? नहीं, अभी टेम्प्रेरी अरेंजमेंट तो यहीं कर रहे हैं, लेकिन जब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।